अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन इस केस को वापस लौटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने एएमयू का केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए हाईकोर्ट में पहले से ही केस चलने का हवाला दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नियम के अनुसार केस की परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए एएमयू का यह केस दर्ज नहीं हो सकता। 15 दिसंबर की रात में घायल हुए विश्वविद्यालय के छात्रों ने मानवाधिकार संगठन को दिए बयान में आरोप लगाया है। पुलिस जबरन आफ्ताब हाल छात्रावास और वीआईपी गेस्ट हाउस में घुस गई और छात्रों के साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से काफी संख्या में छात्र घायल हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी उमर सलीम पीरजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि एएमयू की तरफ से शिकायत भेजी गई थी, जिस पर जिला प्रशासन ने उस तहरीर को वापस भेज दिया है, जिसमें हवाला दिया गया है कि 15 दिसंबर को हुए बवाल का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसके मुताबिक कानून के अनुसार अगले नए मुकदमे के लिए परमिशन लेनी होती है, जिसके चलते फिलहाल यह मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। वही कहा कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी उस पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए सर, एप्लीकेशन जब वहां पर गई सिविल लाइन्स थाने, तो वहां पर यह सूचित किया गया कि मैटर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में सब जुडिस है, और एज पर द रूल, एज पर द लॉ परमिशन लेनी पड़ती, इसलिए वो दर्ज नहीं हो सकती। इसकी वजह से जो हमारा गया था और वो सिक्योरिटी पर्सन ही हैज कम बैक, वापिस आ गए फिर। हाँ, वापिस आ गए थे, एफआईआर नहीं हुई। हाँ जी, आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का कोई स्टेप ऐसा है सच नहीं है। ओके, एज पर द लॉ चीजें डिस्कस होती हैं, केटर करी जाती है, और वी अबाइड बाय द लॉ, वी गो एज पर द रूल्स।